हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MAH, BH, MCT, CET 2021 के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। उसे कैसे चेक करना है, कहाँ से जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है महाराष्ट्र BH CET 2021 और आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव साइट है जहाँ पर आपको MAH, BH, MCT, CET 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे IASpaper.net, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप IAS पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा MAH, BH, MCT, CET 2021 रिजल्ट डिक्लेयर। रिजल्ट जो है इसका डिक्लेयर हो चुका है। डेट्स, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा MAH, BH, MCT, CET 2021 नोटिफिकेशन रिजल्ट डिक्लेयर। रिजल्ट जो है इसका डिक्लेयर हो चुका है। MAH, उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे आपको फिल कर लेना। आपको फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सिलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th या 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, जो भी, उसे सेलेक्ट करके गेट फे काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फे काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको MAH, BH, MCT, CET 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है MAH, BH, MCT, CET